बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, लड़कियों को कह दिया ये बात, अब हो गया वीडियो वायरल। लड़कियों के कपड़े पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। हनुमान और महावीर जयंती के उपलक्ष में दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने महिलाओं के कपड़े और युवाओं के नशे की लत को लेकर विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जब मैं रात में घर के लिए निकलता हूं तो मैं शिक्षित युवाओं और बच्चों को नशे की हालत में देखता हूं। मेरा मन करता है कि कार से नीचे उतर जाओ और उन्हें शांत करने के लिए 5 से 7 बार थप्पड़ मारूं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं में देवी देखते हैं, लेकिन जिस प्रकार के भद्दे वस्त्र पहनकर लड़कियां घूमती है वे देवी का रूप नहीं बल्कि सुपर्णखा के समान दिखाई देती है। भगवान ने आपको अच्छा और सुंदर शरीर दिया है, अच्छे कपड़े पहनिए दोस्तों। उन्होंने माता पिता को भी एक नसीहत दे डाली। बीजेपी नेता ने कहा कि आज बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है, ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों को जरा संस्कार सिखाए। देखिए ये वीडियो।